हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रूट वर्ड्स के सेट फोर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूट्स, रूट वर्ड्स सेट फोर का, राइट। और अपने वोकैबुलरी को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, राइट। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और रूट वर्ड्स हमारा पहला आज का होगा सोफ्स, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका SOPHOS, राइट, सोफ्स। यदि सोफ्स की मैं मीनिंग की बात करूँ तो इसकी मीनिंग होती है विजडम, राइट। और हिंदी में बोला जाए तो इसे कहते हैं ज्ञान, राइट। तो यहाँ से आज हम लोग का क्या वर्ड होगा, सोप्स। और सोप से रिलेटेड जो भी वर्ड हमारे बनते हैं वो सारे वर्ड को क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। हमारा पहला वर्ड होगा इससे बना हुआ सोफिक। सोफिक आप इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आया हुआ है SOPH, राइट। यहाँ भी है SOPHOS, तो इससे मिलता जुलता जो भी सोफिक या सोफ से रिलेटेड जो भी वर्ड रहेगा वो हम लोग देखेंगे। तो सोफिक का मतलब क्या होगा, आप थोड़ा सा हिंट लगाओगे तो क्या होगा, जो विजडम से रिलेटेड हो। तो इसका मीनिंग जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो होता है फुल ऑफ विजडम, राइट। और यदि इंटेलेक्चुअल्स भी इसे कहते हैं हम लोग, तो आपको मीनिंग इससे रिलेटेड मिल जाएगा। सोफिक या सोप्स रहे तो आप समझ जाना कि इसका रिलेटेड क्या होगा, विजडम से रिलेटेड होगा, जिसे हिंदी में ज्ञान कहते हैं। और यदि मैं इस पर एक सेंटेंस बना लूँ तो सेंटेंस हमारा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया। सेंटेंस है हमारा, द लेक्चर ऑफ क्रिशर आर ऑलवेज सोफिक। मतलब कि जो क्रिशर जो भी पढ़ाते हैं, जो उनके लेक्चर होती है वो क्या होती है, विजडम से भरी हुई रहती है, फुल ऑफ नॉलेज रहता है, फुल ऑफ विजडम रहता है, इंटेलेक्चुअल्स रहता है, राइट। तो क्या है, इनकी लेक्चर बहुत ही फुल ऑफ विजडम है। तो इस तरीके से हम वर्ड को देखकर समझ सकते हैं। और सोफिक जहाँ भी वर्ड है तो आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए, सीधा इंटेलेक्चुअल्स, विजडम और ज्ञान की तरफ। और हम लोग का आज का सेकंड वर्ड देखते हैं, सेकंड वर्ड क्या होगा। आज का हमारा सेकंड वर्ड है सोफिकल, SOPHICAL, राइट, सोफिकल। अब मैं पूछूं इसका मीनिंग क्या होगा, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए, सर ये विजडम से रिलेटेड होगा। तो इसका मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू विजडम। आप जब डिक्शनरी में भी देखोगे तो क्या होगा, रिलेटेड ऑफ विजडम, राइट। और इसके हिंदी में मैं बात करूँ तो होता है ज्ञान से संबंधित। यदि हिंदी में ऐसे कहोगे तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञान से संबंधित हो। और आप क्या करोगे, जितने वर्ड मैं लिखाता हूँ आप कॉपी में उसकी नोट्स बनाते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स आपको स्टेप बाय स्टेप देते चला जा रहा हूँ। और हर पे क्या करोगे, आप एक एक दो दो आप सेंटेंस भी बनाते चले जाओगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। और सोफिकल पे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, सोफिकल कन्वर्सेशन इज़ द की टू गेट आइडियाज़ विच कैन हेल्प अस इन द बैड सिचुएशन। मतलब सोफिकल कन्वर्सेशन जो भी होते हैं, जो ज्ञान से भरी बातें जो भी होती हैं, इज़ द की टू गेट आइडियाज़। ये क्या होता है, एक की होता है, एक चाबी होता है, एक सूत्र होता है, क्या, आइडिया पाने के। और विच कैन हेल्प, और जो हमारी मदद करता है इन द बैड सिचुएशंस, और वो हमारी क्या मदद करता है, बैड सिचुएशन पे। तो ज्ञान से संबंधित चीज़ें हमें सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और वो हम हमेशा क्या करते हैं, आपको सिचुएशन पे वो चीज़ मदद भी करते हैं। तो आज हम लोग क्या वर्ड सीखे, सोफ्स। सोफ से क्या बना, सोफिक। दूसरा क्या बना, सोफिकल। और हम लोग आज तीसरा वर्ड देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और इससे आपको एक अलग चीज़ भी सीखने को मिलेगी। हमारा तीसरा वर्ड होगा फिलोसोफर, PHILOSOPHER, राइट। हमने क्या देखा, फिलोसोफर। अब देखो फिलोसोफर क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है फिलो प्लस सोफर, राइट। अब देखो यहाँ से आपको दो दो मीनिंग सीखने को मिलेगी। फिलो आप जहाँ भी देखोगे तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, लव, ठीक है। फिलोसफी हो गया, फिलोसोफर हो गया, राइट। तो इस तरीके के जो भी वर्ड आपको फिलो से रिलेटेड दिखेंगे, और मैं फिलो पे आऊँगा भी, मैं फिलो आपको आगे बताऊँगा भी कि फिलो का मतलब क्या होता है, उससे भी बहुत सारे रूट वर्ड्स तैयार होते हैं। तो फिलो का मतलब क्या होता है, लव। और सोफर का मतलब आपको मैं अभी तक बताया हूँ, विजडम, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ हिंट लगा सकते हो, तो फिलोसफर का क्या मतलब हो गया, जिसे विजडम हो किस चीज़ से, लव से। लव हो किस चीज़ से, विजडम से। तो जिसे ज्ञान से प्यार हो उसे क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। वन हु लव्स विजडम, यदि मैं इसकी मीनिंग की बात करूं तो वन हु लव्स विजडम, राइट। और इस पे एक एग्जांपल हम लोग एक अच्छा सा बना लेते हैं। मैंने क्या लिखा है,
स्वामी विवेकानंद इज अ वेरी फेमस फिलोसोफर ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद क्या है, बहुत ही एक फेमस फिलोसोफर है हमारे भारत के, हमारे प्यारे भारत के क्या है, एक बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर भी कह सकते हैं। सही बात है, वो ज्ञान से बहुत ही भरपूर थे स्वामी विवेकानंद। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, और यहाँ से आपको दो चीज़ें मैंने सिखाई, एक सिखाई फिलो, एक सिखाई सोफर। सोफर तो मैं पहले भी सिखा चुका था, सोफर से क्या क्या मीनिंग बना, सोफिक बना, सोफिकल बना, यहाँ पे क्या बना, फिलोसोफर बना। और फिलो से हम लोग क्या सीखे, लव सीखे, और सोफर का मतलब क्या होता है, विजडम भी होता है। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं इससे और क्या क्या बन सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED। अब मैं पूछूँ सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होगा, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं इसका रिलेटेड फिर क्या होगा, आपको ज्ञान से रिलेटेड होगा, राइट, जो विजडम से रिलेटेड होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका मतलब होता है वर्ल्डली वाइज, राइट, जो क्या हो, संसारिक रूप से बुद्धिमान हो। हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संसारिक रूप से बुद्धिमान। तो जो संसारिक रूप से बुद्धिमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड। और यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, मैंने क्या बताया, सोफी यहाँ से मिला, तो आप यहाँ पे हिंट लगा ले सकते हो कि सोफिस्टिकेटेड क्या होगा, एक विजडम से रिलेटेड होगा, ज्ञान से रिलेटेड होगा, और हमें निकला भी आंसरिक रूप से जो क्या हो, बुद्धिमान हो पूरे विश्व में। और इस पर भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, क्या लिखा है, द इन्वायरमेंट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मतलब कि सांसारिक रूप से बुद्धिमान, मतलब वर्ल्डली वाइज, वहाँ जितने भी लोग हैं क्या है, भरपूर हैं बुद्धि से, सोचने से, राइट। तो द इन्वायरमेंट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड इन आवर ऑफिस, कहाँ का, हमारे ऑफिस का। तो हमारे ऑफिस के जितने भी लोग होंगे क्या होंगे, वो बुद्धिमान होंगे। तो आप सोफी से जितने भी वर्ड आपको रिलेटेड नज़र आ जाएंगे, तो आप समझ जाना वो क्या होंगे, आपके विजडम से, ज्ञान से रिलेटेड होंगे। एक और वर्ड इसी का देख लो, अपोजिट क्या होता है हमारा, अनसोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, राइट, अनसोफिस्टिकेटेड। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या था, वर्ल्डली वाइज, जो क्या थे, सांसारिक रूप से बुद्धिमान थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट नॉट वर्ल्डली वाइज। तो देखो कुछ नया चीज़ नहीं है, बस वही चीज़ें हैं, आपको घुमा घुमा के वर्ड देते रहेंगे, जो सांसारिक रूप से क्या हो, बुद्धिमान नहीं हो। तो इससे भी आओ एक बढ़िया से एग्जाम्पल कर लेते हैं, और आपको भी एग्जाम्पल करना है, ये नहीं कि आप पढ़ो ऐसे ही देख लिए वीडियो काम खत्म। आप कॉपी निकालोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और हर चीज़ों को देखोगे, मेरा पूरा एक सीरीज चढ़ेगा। जैसे ही रूट वर्ड्स हमारी ख़त्म होगी, मैं वर्ड मीनिंग पे आएगा कि किस तरीके से हम लोग एक मतलब कि वर्ड को किस तरीके से याद कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो हम निकाल के आपको बताएंगे। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, राइट, और हमारा जो भी होगा, जो एग्ज़ाम में पूछता है, राइट, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा क्या था यहाँ पे, इस पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। लो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख दिया, क्या लिखा, द इन्वायरमेंट इन माई कॉलेज वॉज अनसोफिस्टिकेटेड। जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है हमारे कॉलेज का क्या है, वो अनसोफिस्टिकेटेड है, मतलब कि लोग ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिमान नहीं है, ज़्यादा नॉलेज वाले नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द बैड स्टाफ, क्यों, क्योंकि वहाँ के स्टाफ क्या है, अच्छे नहीं है, इसीलिए वहाँ पे नॉलेज की कमी है। तो हम लोगों ने आज अच्छे अच्छे वर्ड देखे, और हमारा रूट वर्ड्स क्या था, सोफ्स, राइट, और इससे जो भी रिलेटेड वर्ड दिखे। अब देखो इतना ही नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं भी नज़र आए, मैं एक आपको देकर और भी एग्जांपल लिखा रहा हूँ, राइट, जहाँ भी आपको दिखे तो आपका माइंड जाना चाहिए विजडम। तो हमारे जितने भी वर्ड पढ़े हैं उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, सोफिक देखा, सोफिकल देखा, फिलोसोफर देखा, सोफिस्टिकेटेड देखा, अनसोफिस्टिकेटेड देखा। यहाँ पे भी सोफिक था, यहाँ भी सोफिक था, यहाँ पे सोफर था, यहाँ पे भी आपने देखा सोफिक सोफी था, यहाँ भी अनसोफी सोफी था, राइट। यहाँ से एक नया वर्ड सीखा है, फिलो। फिलो मतलब क्या होता है, लव, और सोफ मतलब तो हम लोग हर जगह देखते हैं क्या होता है, विजडम, राइट। तो जितने भी वर्ड थे आज हम लोग देखे, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, और वीडियो के बारे में अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे पता चले। और लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, राइट, आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा हो, मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट जो रूट वर्ड्स होगा वो होगा आर्च। क्या होगा, आर्च। अब इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, और इसके पीछे क्या क्या राज है, क्या क्या रूट वर्ड्स के, तो वो हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।